से दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी का मामला, और इस मामले में आज सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। एक बार फिर से बता दे कि सरकार सख्ती बरत सकती है, सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। दौसा एसपी पर राज गिर सकती है, आज दौसा एसपी हटाए जा सकते हैं, बड़ी खबर है। सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, दौसा एसपी हटाए जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। बस कुछ ही देर में डॉक्टरों का एक संगठन सचिवालय पहुंच रहा है और मंत्री प्रसादीलाल मीना से मुलाकात होगी। इस वक्त ही बड़ी खबर है, सरकार एक्शन मोड पर आ सकती है और सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। सख्त कार्रवाई एसपी पर, गाज गिरने का, आज हटाए जा सकते हैं एसपी। भरत राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत राज, जिस कदर ये मामला गरमाया है, अब सरकार ने इंटरवीन किया है, दखल दिया है, सख्ती अगर बरती जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निकलकर सामने आएगा। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह का मामला सामने आया है उसको सरकार ने भी गंभीर माना है, क्योंकि एक डॉक्टर जो खुद वहाँ इलाज कर रही थी और खुद जो परिजन थे वहाँ महिला को लेकर आए थे, और उन पर जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया उसको सरकार ने गंभीर माना है, और इसमें एसपी की लापरवाही की बात सामने आ रही है। उनके कहने के ऊपर ये सारा मामला, उन पर केस दर्ज किया गया, और अब इस मामले की सरकार हालांकि जांच करवा रही है, कमेटी बना दी गई है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में सरकार ने प्राइमरी तौर पर एसपी को वहां पर दोषी मानती नजर आ रही है, और उन पर भी आज सरकार सख्त एक्शन ले सकती है, उन्हें वहां से हटाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स के जो संगठन है वो एक हो रहे हैं और इस मामले में लगातार आज हड़ताल पर भी हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, और इस मामले को लेकर अब सरकार भी सख्ती के मूड में है, वहां से तत्काल उन्हें हटाया जा सकता है और वहां पर नए एसपी को लगाया जा सकता है। कल मंत्री जो चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीना है वो भी मौके पर जाएंगे, वहां पर मौका स्थिति वो देखेंगे और वहां पर परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। इस दौरान अभी वो सचिवालय में है और लगातार जो डॉक्टरों के कुछ संगठन है वो भी अभी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर उत्तेजित हैं और जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है सरकार भी अभी चिंतित है और जल्द सख्त एक्शन इस पर ले सकती है। जी ठीक है, भरत बाबा शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। फिलहाल अब सबकी नजरें टिकी हुई है सरकार की तरफ कि सरकार क्या बड़ा एक्शन लेगी। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर का रुख करें तो अजमेर से है, जहां पर अजमेर